हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल टू माय इंग्लिश क्लास होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू यूसेज ऑफ आर्टिकल द का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं ओके फर्स्ट वन इज बिफोर द नेम्स ऑफ ओशंस रिवर्स माउंटेंस गर्ल्स प्लेन्स डेजर्ट्स बेस एक्सेट्रा मीन्स जो भी रिवर का नेम होशंस हो माउंटेन्सों लाइक द इंडियन ओशन द गंगा रिवर है ओके द पर्शियन गर्ल्फ इट्स अ गर्ल्फ द हिमालयाज माउंटेंस दहारा डेजर्ट डेजर्ट है ये तो इनके नेम्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं द बिफोर दैम सो नेक्स्ट इज बिफोर द नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज जो हमारी यूनिवर्स में हेवनली बॉडीज हैं उनके नेम से पहले प्लेनेट हैं लाइक द मार्स द सन द मून द स्काई एक्सेट्रा ओके नेक्स्ट इज बिफोर द नेचुरल डायरेक्शंस जो हमारी डायरेक्शंस हैं देयर आर फोर डायरेक्शंस मेनली दैट आर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ ओके सो वी विल यूज द बिफोर दैम द नॉर्थ द ईस्ट द वेस्ट द साउथ नेक्स्ट बिफोर अ नाउन टू मेक इट पर्टिकुलर उस नाउन के साथ जिसको हमने पर्टिकुलर बनाना होगा फॉर एग्जाम्पल द मैन इन वाइट कोट वैसे अगर हम जर्नली मैन के बारे में बात कर रहे होते तो हमने मैन ही कहना था लेकिन यहाँ पर हमने क्या कह दिया वो मैन जो वाइट कोट में है so, सो हमने पर्टिकुलर मैन के बारे में बात करी है सो वी विल यूज द हियर ओके द मैन इन वाइट कोट द लास्ट ट्रेन वी आर नॉट टॉकिंग जर्नली अबाउट द ट्रेन वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट ट्रेन सो द लास्ट ट्रेन क्लियर नेक्स्ट इज बिफोर द एवरीवेटेड नाउन्स ऑफ द कंट्रीज और स्टेट्स जो कंट्रीज के जो नेम्स हैं वो एब्रीवेटेड होते हैं फॉर एग्जांपल यू यूएसए, एस ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओके सो वी विल यूज द बिफोर डैन क्लियर नेक्स्ट इज बिफोर अ सिंगुलर नंबर दैट रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास उस सिंगुलर नंबर के साथ जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो फॉर एग्जाम्पल द रिच द पुअर मीन्स यहाँ पे हम किसी एक रिच के बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम अमीर लोगों के बारे में बात कर रहे हैं द रिच द पुअर ओके बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम क्या यूज करते हैं द ओके द बेस्ट द वर्स्ट द हैपीएस्ट द सैडस्ट ओके बिफोर टू और मोर कंपेरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स जब हम दो या उससे ज्यादा कंपेरेटिव डिग्रीज को यूज करते हैं देन ऑल्सो वी विल यूज द दायर यू गो द कूलर इट इज यहाँ पे हमने टू कम्पेरेटिव डिग्रीज को यूज किया है सो द हायर यू गो द कूलर इट इज जितना ऊपर आप जाओगे उतने ही ऊपर ठंडक हो जाएगी कूलर इट इज देन इज नाइन्थ before the epithets used before the names of the person means kisi person ki quality ko jab humne batana hai to usse pehle hum the use karenge ashoka the great akbar the great ओके okay? ये उनकी qualities के बारे में हम बता रहे हैं कि वो great थे then before the family names जो family names होते हैं हमारे like sharma's arora's or any other so we will use the before them also then names of the holy books holy books Johamare Grantham. granth okay like the gita the bible clear now next is before the names of the historical buildings हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जो हमारी उनके नेम के पहले भी हम द का यूज़ करेंगे लाइक द रेड फोर्ट द कुतुब मीनार ओके बिफोर द नेम्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं हमारी लाइक बीजेपी कांग्रेस ओके तो इनसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे द और भी बहुत सारी हैं पोलिटिकल पार्टीज नेक्स्ट इज इन सम फ्रेजेज कुछ फ्रेजेज हैं जिनमें हम द का यूज़ करती हैं फ्रेजेस क्या होती हैं द वर्ड्स दैट आर एडेड टू द सेंटेंस टू गिव मीनिंग टू इट ओके लेकिन इंडिपेंडेंटली इनका कोई मीनिंग नहीं होता है ओके नेक्स्ट इज बिफोर द क्लास क्लास लाइक भिल्स ब्रह्मस इनके पहले भी हम द का यूज करते हैं नेक्स्ट इज द नेशनैलिटीज मीन्स जिस भी देश के हम रहने वाले हैं जैसे हम इंडियन हैं ओके okay? सो so, इनसे पहले भी द का यूज होता है लाइक द इंडियंस द ब्रिटिश द फ्रेंच एक्सेट्रा नेक्स्ट इज बिफोर द नेम्स ऑफ द न्यूज़ पेपर प्रयाटिकल्स मैगजींस एक्सेट्रा ओके द हिंदू द फ्रंट लाइन द ट्रिब्यून ओके next is from the name before the names of the important events important events like first battle of independence so we will use the before it green revolution important events hai jo humare, important jo event hai. before the designations of the big offices designation like president pm commander-in-chief okay अब नेक्स्ट है इफ टू ग्रेट पर्सनस आर कंपेयर्ड और मैच मीन्स अगर दो पर्सन को हम कंपेयर कर रहे हैं किसी एक की कंपेरिजन दूसरे से कर रहे हैं लाइक like, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया जो कालिदास है उसको क्या बोला जाता है इंडिया का शेक्सपियर मीन्स कर करा है कालिदास को किसके साथ शेक्सपियर के साथ ओके नेक्स्ट इज शिव बटालवी इज द कीट्स ऑफ पंजाबी पोइट्री जो शिव बटालवी है उसको क्या बोला जाता है कीट्स ये भी पोएट है ये भी पोएट है ओके सो एक पोएट को दूसरे पोएट से कंपेयर करा जा रहा है क्लियर आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल थैंक यू स्टूडेंट्स